हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये दूसरे पार में जो बियर्ड, नोस और आई वगैरह, तो उसमें दूसरे पार में अपलोड किया था, तो उस वीडियो को देखा नहीं तो उस वीडियो को देख लीजिए पहले। और जो हेयर है, तो हेयर को मैंने पहली पार में अपलोड किया है, तो उस वीडियो को देखना चाहते तो देख लीजिए। तो ये थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में मैं जो शार्ट है और जो फिगर है, फिगर में ड्राइंग करूँगी आर्टलाइन पेंसिल के साथ, ठीक है। तो मैंने पहले बता चुकी हूँ जो कि डार्क एरिया के लिए, तो आप लोग एक बार में डार्क नहीं ले आ पाते हो तो दूसरे बार की भी आप सेटिंग करके उसके बाद दूसरे बार अप्लाई करिए डार्क करने के लिए, ठीक है। मैं सेम प्रोसेस का ही यूज़ करूँगी डार्क करने के लिए। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ इस ड्राइंग में। तो देखिए मैं दूसरे बार अप्लाई कर रही हूँ स्टेडलर पेंसिल के साथ, ठीक है, तो डार्क के और भी डार्क करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से मैं पूरे ड्राइंग को मैं डार्क और लाइट एरिया के लिए मैं अप्लाई करके मैं ड्राइंग को कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो आप लोग इसको फुल वीडियो जो ड्राइंग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अपलोड कर दूँगी फुल ड्राइंग, ठीक है। तो आप ये जो प्रो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 6B पेंसिल ज़्यादा से दे रही है लाइट होती है, तो इसलिए 6B पेंसिल का यूज़ करके इस पेंसिल मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो उसके बाद ब्लेंडिंग फ्रेम से मैं इसको मिक्स कर दूँगी, ठीक है। तो अब ये ड्राइंग फिर से कम्प्लीट हो रही है, ठीक है। तो ड्राइंग को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और प्लीज़ कमेंट करिए ड्राइंग को कैसी हुआ है। और आप लोग इस ड्राइंग को फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फुल ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो आज तक यही है, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।